के भारतीय जनता पार्टी घोषणा ही नहीं बल्कि जो वादे करती है उसको पूरा भी करती है। संकल्प पत्र की बात कही जाए तो पहले हमने निगम में ई गवर्नेंस की व्यवस्था को सुचारू किया था, हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे। निगम की सेवाएं मोबाइल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से हम उसको पारदर्शी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। अभी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन होती हैं, हाउस टैक्स भी ऑनलाइन होता है। और इसमें हम और ज्यादा तत्परता के साथ 100 दिनों के भीतर माई एमसीडी ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पर निगम की सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी, उसमें पार्किंग की सेवा भी होगी, किस जगह पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और कितनी गाड़ियां अभी खड़ी हैं, ये जानकारी भी वहां मिलेगी। और इसके साथ ही साथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भी ये इस ऐप के माध्यम से कोई भी निगम का कर्मचारी हो, निगम से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है, ताकि दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने में जनता की मदद ली जा सके। दूसरा संकल्प है प्रदूषण नियंत्रण में निगम पूरी तरह से योगदान अपना देगा, दिल्ली को सस्टेनेबल एवं ग्रीन सिटी बनाने के लिए हमने दिल्ली के लगभग 16,000 जो हमारे पास पार्क है उनमें ग्रीन कवर किया है। और इसके साथ साथ हम पार्कों को ग्रीन कवर करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी 4 प्लांट लगे हैं और अधिक प्लांट लगाकर 100% 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो भी निकलता है वो वेस्ट मैनेजमेंट से 100% कूड़ा से बिजली बनाने का काम भी प्रारंभ होगा। प्रदूषण नियंत्रण में एक बड़ा काम, कूड़ा की व्यवस्था को हमने ढलाव मुक्त कर दिया है और इसमें अब कूड़ा से बिजली बनाकर दिल्ली को हरा भरा बनाकर सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हर बेघर को दिल्ली के अंदर आवास प्रदान करेंगे। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी जहां झुग्गी वहीं मकान, इस योजना के अंतर्गत हमने दिल्ली के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को कालका जी में 3024 पक्के मकान, खुले हवादार मकान जहां उनका टॉयलेट ओपन टॉयलेट भी हवादार है, जहां उनका किचन भी हवादार है और जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क है और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल है और उनको टोटी से टैप से पानी भी आ रहा है, ऐसा स्वच्छ वातावरण युक्त मकान हर झुग्गी वासी को दिल्ली में दिया जाएगा। 17,000 मकान बनकर तैयार है, जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी ये बिल्कुल बनकर तैयार है, बाकी 35 योजनाएं हमारे प्रोसेस में है जहां झुग्गी वहीं मकान की, इस काम को भी हम केंद्र सरकार के माध्यम से करने वाले हैं। 4 नंबर है हमारा गृह निर्माण को सरल और संपत्ति कर में छूट और RW के साथ संयुक्त कार्य करेंगे। दिल्ली नगर निगम बहुत कई जगह RW के साथ बातचीत करके वहां की समस्याओं का समाधान हो। और इसके साथ ही साथ हमने इस बार कहा है कि हाउस टैक्स में अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जो 2004 से नोटिस आते थे उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया है, यानी 2022 या 18 साल का हाउस टैक्स पूरी तरह अनाधिकृत कॉलोनियों में माफ होगा, ना कोई पेनाल्टी, ना कोई इंटरेस्ट और ना ही हाउस टैक्स, करंट हाउस टैक्स ही वो जमा करे, इतने में सारा हाउस टैक्स माफ होगा। और इसके साथ ही साथ समृद्धि योजना के अंतर्गत अप्रूव कॉलोनियों में 6 साल के हाउस टैक्स को माफी दी गई है और 6 साल के हाउस टैक्स में कोई भी पेनाल्टी होगा, कोई भी इंटरेस्ट होगा वो पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और हाउस टैक्स के ऑनलाइन व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता है दिल्ली के अंदर बहुत सारे वीकली मार्केट हैं, अक्सर उनके सामने उनके बंद करने से उनके सामने उनकी रोजी रोटी का सवाल आता है। हमने दिल्ली के रेड़ी पटरी वालों के लिए
प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिल्ली के लाखों रेड़ी पटरी वालों को हमने 10,000 रुपए की सहायता दी है, और इसके साथ ही साथ जो साप्ताहिक बाजार है, जो हमारे जो मार्केट रेड़ी पटरी पर चलते हैं, उन सभी मार्केटों का नियमितीकरण हो और उनको सुचारू रूप से किया जाए, जिससे दिल्ली के लोगों को भी असुविधा नहीं हो और उनके रोजगार में भी असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा फैक्ट्री है, लगभग 35 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है छोटे और बड़े मिलाकर, और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि फैक्ट्री लाइसेंस दिल्ली नगर निगम के माध्यम से होता था। पिछले साल हमने ये प्रस्ताव पास किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको मना कर दिया, उसको हमारी मंजूरी नहीं दी। इस बार हम फैक्ट्री लाइसेंस को पूर्णतया समाप्त करके इंडस्ट्रियल एरिया के जितने हमारे उद्योग क्षेत्र के भाई बहन हैं, उनको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसके साथ ही जो झुग्गी झोपड़ी, जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है, जे क्लस्टर है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 7-8 सालों में दिल्ली सरकार ने इन सारे जे क्लस्टर हो, गांव हो, झुग्गी झोपड़ी हो, निगम को दिया जाने वाले फंड को उन्होंने रोका है। लेकिन हम झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, जे क्लस्टर हो और हमारे गांव हो, उन सभी इलाकों में विकास के काम हो, फिरनी की सड़कें हो, और जो हमारे आधारभूत संरचना के लिए उनके लिए जरूरत की सड़कें और पार्क हो, उनको बनाने के काम में तेजी लाने वाले हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और उनके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले भी जन रसोई की संकल्पना को रखा था और उसको आगे बढ़ाया था। अब हम महिलाओं द्वारा संचालित जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई को स्थापित करके दिल्ली के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 130 महिला स्वास्थ्य केंद्रों में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त, उसको निशुल्क सुनिश्चित करेंगे और उनमें महिलाओं के लिए निशुल्क आयरन और विटामिन की टेबलेट होगी, और पूरी दिल्ली के अंदर जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई चलाई जाएंगी महिलाओं के द्वारा, उसमें 5 रुपए में उन हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। ये दिल्ली नगर निगम की एक बड़ी घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीडी के स्कूल लगभग 1616 स्कूल है, उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, उनको मुफ्त साइकिल और उच्च शिक्षा के लिए उनको मासिक स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिल्ली नगर निगम हमारे संकल्प पत्र में है, जिसको हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारी गरीब विधवा महिलाएं, उनके बेटियों के विवाह के लिए हम उनको एक ग्रांट देने वाले हैं, 30,000 से 50,000 रुपए की विधवा महिलाओं की बच्चियों की शादी के लिए उनको 30,000 से 50,000 रुपए की, 30,000 से बढ़ाकर हम उसको 50,000 कर रहे हैं। और इसके साथ नौवीं हमारा संकल्प है युवाओं के स्वरोजगार के नए अवसर। 2027 तक निगम के 1616 सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में परिवर्तित करेंगे, स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में हमारा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल इस वर्ष विश्व के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल में उसने रैंकिंग पाई है, और ये दिल्ली नगर निगम की शिक्षा की गुणवत्ता है। इसको हम और बेहतर बनाकर दिल्ली के स्कूलों को, सभी स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। और इसके साथ ही 10वां जो संकल्प है, निगम की स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिकीकरण करेंगे और उनको जन औषधि केंद्र से जोड़ेंगे। जितने भी हमारे 9 अस्पताल हैं दिल्ली नगर निगम के द्वारा बड़े चलाए जाने वाले, 130 महिला स्वास्थ्य केंद्र है, 123 डिस्पेंसरी है और मोबाइल हेल्थ वैन है, उनको अपग्रेड करके हर वार्ड में प्राइमरी हेल्थ
डिस्पेंसरी स्थापित हो और जोन स्तर पर उसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड लैबोरेटरीज की सुविधा हो। ये सारे काम हम इस स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राइमरी हेल्थ में करने वाले हैं। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। 11वां संकल्प एक महत्वपूर्ण संकल्प, दिल्ली के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करने के लिए हमने दिल्ली में 116 से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। स्टैक पार्किंग की तो गिनती नहीं है, हर वार्ड के अंदर हमने स्टैक पार्किंग बनाई है। लेकिन बावजूद उसके बहुत से बड़े बाजार हैं, करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, रजौरी गार्डन हो, तिलक नगर हो, जमुना पार्क के बाजार हो, उन सभी बाजारों के अंदर हम पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी करने वाले हैं और इसके साथ नागरिकों की सुविधा उसमें बढ़े इसका भी प्रावधान करने वाले हैं। 12वां हमारा संकल्प है 1000 स्थायी छठ घाट। आपको पता है दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में हमारे पूर्वांचल वासी रहते हैं जो छठ मनाते हैं और दिल्ली में बड़े धूमधाम से वो छठ मनाई जाती है। दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से, यमुना सफाई नहीं होने की वजह से गत 2 वर्षों से ये छठ पूजा का कार्यक्रम, छठ महापर्व यमुना किनारे नहीं मना पा रहे। 1000 दिल्ली नगर निगम के पार्कों में हम स्थायी छठ घाट बनाने वाले हैं। दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को अपने भारत की संस्कृति की, पूर्व की, पूर्वांचल की संस्कृति को दिल्ली में बढ़ाने के लिए और छठी मैया का यहाँ पर पूरा प्रचार करने के लिए हम 1000 छठ घाट यहाँ बनाने वाले हैं। और ये 12 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, इस संकल्प के साथ कि एमसीडी में फिर एक बार बीजेपी सरकार, ये संकल्प पत्र मैंने आपके बीच में बताया है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो पूरा करती है।